यूक्रेन रूस की जंग कब थमेगी, थमेगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता। शांति स्थापना के लिए कोई पहल होती भी नहीं दिख रही है, इसीलिए अनुमान है कि यह जंग न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल तक ऐसे ही चलती रहेगी, जिसमें अमेरिका की दिलचस्पी भी वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन इस अनुमान को अगर करीब 3000 साल पुरानी भविष्यवाणी के चश्मे से देखें तो यही जंग दुनिया की अंतिम जंग है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और यह जंग खत्म होगी पूरी दुनिया की तबाही के साथ। क्या है वो भविष्यवाणी और किसने सुलझाई भविष्यवाणी की ये पहेली, देखिए पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग में बारूदी तबाही का ट्रेलर दुनिया देख चुकी है, विश्व विनाश की आशंका को महसूस कर चुकी है, लेकिन इसका भविष्य क्या है, इस पर कोई दावा नहीं किया गया। लेकिन अब विनाशक भविष्य को लेकर भविष्यवाणी हो चुकी है और इस भविष्यवाणी का आधार बनी है हजारों साल पुरानी ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि बारूदी जमीन पर जो भी दिख रहा है वो हजारों साल पहले ही बाइबल में दर्ज है, और अगर ये वही जंग है जिसका जिक्र बाइबल में है तो फिर ये दुनिया का अंत करने वाला आखिरी युद्ध है। हालांकि ये एक भविष्यवाणी है जो विश्लेषणात्मक ढंग से की गई है, और ये विश्लेषण दिया है अमेरिका के विश्वसनीय बाइबल टीचर डॉक्टर डेविड जेरेमिया ने, जिन्होंने बताया है कि इस दुनिया के अंत में रूस का अहम रोल होगा। उस अंत के लिए शुरू होने वाली जंग की शुरुआत हो चुकी है। आखिर कैसे हुआ विश्लेषण, इसे समझने से पहले भविष्यवाणी की पृष्ठभूमि समझ लीजिए। डॉक्टर डेविड जेरेमिया के मुताबिक बाइबल में आर्मागेडोन यानी सर्वनाश वाले युद्ध का जिक्र है, जिसे हिब्रू में मेगिडो की जंग के रूप में भी बताया गया है। मेगिडो यानी वो जगह जहां से देवताओं के खिलाफ दानव युद्ध छेड़ेंगे, और मेगिडो इजराइल के पश्चिम में स्थित एक पर्वत आज भी है। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि रूस के बनाए समीकरण से बैटल ऑफ मेगिडो की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि वो समीकरण क्या है, और क्या सिर्फ रूस के अलायंस की वजह से ही बैटल ऑफ मेगिडो शुरू होने का दावा किया जा रहा है, या फिर इस भविष्यवाणी का विस्तार कुछ और है। प्रसिद्ध बाइबल टीचर की रूस को लेकर की गई भविष्यवाणी में गठबंधन को आधार जरूर माना गया है, लेकिन सिर्फ बैटल ऑफ मेगिडो से संबंध जोड़ने के लिए ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि विश्लेषण में बाइबल के आधार पर रूस का जिक्र दर्ज नाम के आधार पर भी किया गया है। तो क्या वाकई बाइबल में रूस का नाम दर्ज है? बैटल ऑफ मेगिडो का जिक्र रूस के संदर्भ में करने के लिए विश्लेषण में एक चौंकाने वाला तथ्य भी दिया गया है। इस तथ्य पर हालांकि बाइबल टीचर्स के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन डेविड जेरेमिया की भविष्यवाणी से जुड़ी थ्योरी का आधार नाम ही है। दावे के तहत 2500 साल पहले ही रूस को लेकर भविष्यवाणी हो चुकी है, और रूस के साथ मिलकर 38 देश इसराइल पर हमला करेंगे। हालांकि उस समय बाइबल में दर्ज नाम रूस नहीं है, बल्कि देश का नाम रोश बताया गया है, और इस देश के इसराइल के सुदूर उत्तर में होने का जिक्र है। यानी विश्लेषण के आधार पर भी अगर रोश को रूस माना जाए तो नक्शे में ये देश बिल्कुल सही जगह फिट बैठता है, और मेगिडो की जंग की नींव पड़ती दिख रही है रूस के उस गठबंधन से जो यूक्रेन और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के पाले में खड़े हैं। कैसे, इसे बाइबल आधार नक्शे से समझिए। इसराइल के दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम मेगिडो है, और यहाँ से उत्तर की तरफ बढ़े तो लेबनान, सीरिया, तुर्की और जॉर्जिया दिखते हैं, जिसके अंत में रूस नजर आता है, और इसराइल के खिलाफ इन देशों की ताकत बढ़ाने के लिए ईरान पहले से तैयार है। मतलब साफ है कि बैटल ऑफ मेगिडो को लेकर की जा रही भविष्यवाणी का बारूदी आधार बन चुका है। जिसकी पुष्टि करता है अमेरिका के खिलाफ जंग का लेटेस्ट समीकरण, जिसकी शुरुआत होती है रूस यूक्रेन की जंग में उठाए गए इजराइल के एक घातक कदम से।
इसराइल ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम बिक्री का रास्ता साफ कर दिया है। एंटी ड्रोन सिस्टम बिक्री के लिए निर्यात लाइसेंस को मंजूरी दे दी गई है। इस सिस्टम के इस्तेमाल से रूस के इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन नाकाम हो जाएंगे, यानी ईरान के रूस को भेजे गए ड्रोन्स का किलर इसराइल भेजने को तैयार है। और यही कदम इसराइल को टारगेट बनाने में अहम रोल निभाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जंगी समीकरण में इस समय रूस ने एक मजबूत अलायंस बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है, जिसमें सबसे पहले दोस्ती निभाने के लिए तैयार हुआ है सीरिया। जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम जागते रहो, जागने का मतलब है।